मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो दोस्तों, काफी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है और आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो ये जो वीडियो है आज की, वो टोटली डेडिकेटेड है जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो एमएससी में एडमिशन ले चुके हैं और वो सीएसआईआर नेट गेट की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली हमने क्रिएट किया है एक सेपरेट ग्रुप सीएसआईआर नेट गेट के लिए और उसका जो लिंक है हमने प्रिंट कर दिया है वोट ग्रुप में। तो जो भी स्टूडेंट इस साल एमएससी में एडमिशन ले चुके हैं वो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और उसके बाद जो आगे की स्ट्रेटजी है वो मैं आपको यहाँ से डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि आपको आगे किस स्ट्रेटजी के थ्रू प्रिपरेशन करनी है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि लास्ट फ्यू मंथ पहले ये चैनल स्टार्ट हुआ था और बेसिकली ये जो चैनल था वो एमएससी एस्पायरेंट के लिए था। और आपको जान के ये खुशी होगी कि इस साल जो है विद इन 5 to 6 मंथ हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी, मींस मैक्सिमम जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, लाइक बीएचयू की बात किया जाए, जेएनयू की बात किया जाए, डीयू की बात किया जाए, एससीयू की बात किया जाए, सीयू सेट की बात करें, तो लगभग लगभग हर जगह इस ग्रुप से स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे स्टूडेंट का हार्ड वर्क है जिसकी वजह से ये फुलफिल हो पाया है और मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया था कि जो भी नीडी स्टूडेंट है जिनको कहीं से हेल्प नहीं मिल पाती, तो वो इस चैनल के थ्रू हो सकता है कि उनको कुछ गाइडेंस मिले तो अपना वो जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए चैनल क्रिएट किया गया था और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो सेलेक्ट हुए हैं बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, जो शायद अगर वो गाइडेंस ना मिलता, जैसा कि वो बताते हैं कि अगर वो गाइडेंस ना मिलता तो वो शायद अच्छा नहीं कर पाते। तो फाइनली जो ड्रीम लेके मैं चला था वो लगभग लगभग कुछ हद तक कंप्लीट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो साथ है वो तुरंत छूट जाएगा। आप बीएससी में थे, आपने एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करी, आपने ग्रुप ज्वाइन किया, हम लोग इंटरेक्ट किए एक दूसरे से, तो ये जो साथ है, ये जो चेन है वो चलती रहनी चाहिए। आप एमएससी में हो तो जो नेक्स्ट टारगेट है आपका, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टारगेट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और ये जो टारगेट है सीएसआईआर नेट का, आप नेट को ही मेन टारगेट लेके चलना। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो गेट जेस्ट बार जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। तो इस ग्रुप से बहुत सारे स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं बीएचयू में, तो 50+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो एक बार आप क्लास जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगी, मैं जैसा अपने स्टूडेंट से बता चुका हूँ कि एक ग्रुप फोटो जरूर बनता है, जितने भी स्टूडेंट इस ग्रुप से सेलेक्ट हुए हैं, एक बार आप कैंपस में कहीं पे भी, वहां पे विश्वनाथ टेम्पल है, वहां पे इकट्ठा हो जाइएगा, गैदरिंग कर लीजिएगा और वहां पे एक प्रूफ फोटो जरूर दीजिएगा कि वो उसको फीचर किया जाए यूट्यूब चैनल पे। और ये सभी जब आपकी कोई हेल्प करते हो, जब आप ड्रीम लेके कुछ चलते हो और फुलफिल होता है तो काफी हैप्पीनेस होती है। तो मुझे भी हैप्पीनेस, मैं भी जब भी रिजल्ट निकला था मुझे तो लगा था कि अराउंड 10 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आते चले गए और सबने बताया कि सब सेलेक्ट हो चुके हैं, तो काफी अच्छा लगा। उसके बाद डीयू का रिजल्ट आया, डीयू में भी आपको पता होना चाहिए कि अपने ही ग्रुप के स्टूडेंट हैं अब्दुल्ला अहमद, उनका ऑल इंडिया रैंक 2 है अपने ही ग्रुप से। बीएचयू की मैं बात करूं तो अयान चटर्जी है जिनका ऑल इंडिया रैंक 2 है, एससीयू की बात करूं तो फिर से अब्दुल्ला अहमद है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 है, और अगर मैं जेएनयू की बात करूं तो अपने ग्रुप से ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 10 हेमंत का नाम ऑल इंडिया रैंक 10 पे आता है जेएनयू में, और रिसेंटली वो फाइनली उनका सेकंड काउंसलिंग जो बीएचयू की हुई है उसमें भी वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो लेट कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम कि जितने भी, अपना ग्रुप छोटा है ये मैं मानता हूं, लेकिन जितने भी टॉप रैंकर्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने ग्रुप से आपको जरूर मिलेंगे। तो ये सारी बातें हैं कि सारे के सारे अच्छे यूनिवर्सिटी में सीयू सेट की बात किया जाए तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चेन है वो बढ़ती जा रही है। और इस तरह अगर आईआईटी जैम में भी कुछ सिलेक्शन होता है, जैसा कि जो ग्रुप क्रिएट किया गया है उसमें भी कुछ अच्छे स्टूडेंट जो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो अगर देखा जाए तो आईआईटी जैम में भी वो काफी अच्छा करेंगे। तो ये जो चेन है वो क्रिएट होती जाएगी और हमें लगता है कि आने वाले 4 से 5 सालों में ऐसा कहीं नहीं होगा कि जहां पे अपने ग्रुप के स्टूडेंट ना हो किसी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी बीएससी के बाद एमएससी में गए हैं तो ऑब्वियसली आफ्टर 2 ईयर वो कहीं ना कहीं पीएचडी में जो इनरोल होंगे, जो पीएचडी करना चाहते हैं या जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे कहीं ना कहीं। तो ये जो चेन है वो बनती रहनी चाहिए कि ऐसा हो कि, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि इंडिया में आने वाले समय में ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने स्टूडेंट हों, एक चेन जो क्रिएट किया गया है वो कंप्लीट हो। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो सीएसआईआर नेट का जो ग्रुप क्रिएट किया गया वो क्यों किया गया,
कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे जिन्होंने बीएचयू में लिया हुआ है या डीयू में लिया हुआ है, कहीं भी लिया है एडमिशन, वो काफी परेशान थे कि सर इसके बाद क्या होना चाहिए। वैसे तो मेरा मेन टारगेट अभी भी, मैं बता दूं कि मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 2 ईयर्स जो ये एमएससी एस्पायरेंट हैं वो काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंच जाए तब स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा हूँ एक ग्रुप के माध्यम से कि आप वहां पे क्या करो, आप वहां पे अपने प्रॉब्लम को डिस्कशन करो। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अभी। देखिए हर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हर सेमेस्टर में सेम पेपर नहीं पढ़ाया जाता, कहीं पे क्वांटम चल रही होती है, एट द सेम टाइम कहीं पे न्यूक्लियर चल रही होती है। तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। तो जिस सेम में जो पढ़ाया जा रहा है, चार पेपर जनरली पढ़ाए जाते हैं, तो किसी एक पेपर को आप पिक कर लो, किसी भी एक पेपर को इनिशियली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वांटम की बात करूं तो सब लेट सपोज हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपने पिक कर लिया, तो जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जैसे आपके टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो आप पढ़ते जाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपसे डाउनलोड नहीं होता तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी टॉपिक हैं पहले आप उसकी थियरी पढ़िए, और एक थियरी अगर हो रही है तो उसके करेस्पॉन्डिंग अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल मिल रहे हैं तो आप उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते जाइए। तो एक ग्रुप बनाइए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व करेंगे किसी एक सेमेस्टर में, एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एटॉमिक या न्यूक्लियर समथिंग एल्स मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे। तो ये जो चेन बनेगी जैसे ग्रुप में अभी क्रिएट किया गया था, तो एक ही दिन में 100-150 प्लस स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। तो ये जो चेन बनेगी उससे क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो भी डाउट होगा आप ग्रुप में पूछो, फ्रूटफुल डिस्कशन करिए, जिससे क्या होगा कि आपका भी फायदा होगा और जो अदर स्टूडेंट है उनका भी फायदा होगा। एक चीज यहाँ पे मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं अवेयर करता रहता हूँ जो ऐसे हैं केवल ग्रुप में अपना जो डाउट होता है वो पूछते हैं, या ग्रुप में तभी अवेलेबल रहते हैं जब उनको डाउट पूछना होता है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपना डाउट केवल पूछ रहे हो उसके बाद आप लेफ्ट कर दे रहे हो या नहीं रह रहे हो या कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो अगर आप, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग योर नॉलेज। तो अगर आप नॉलेज को शेयर नहीं करोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बता दोगे किसी को तो ये जो आपका नॉलेज कम हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जितना ज्यादा आप अपने नॉलेज को शेयर करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ग्रुप में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जैसे अलंकार है, जैसे हेमंत है, जैसे सोनम राजपूत है, जैसे मैं बात करूं मुस्कान है, दीप्ति है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं एट द सेम टाइम जो मैं देखता हूं कि काफी ज्यादा हेल्प करते रहते हैं दूसरे स्टूडेंट का। इवन कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं जो इस सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनको 2021 वाले जो एस्पायरेंट है जो नेक्स्ट ईयर देंगे उसमें ऐड किया हूं, और कंटिन्यू हेल्प करते रहते हैं। तो देखिए ये जो फैमिली है हम लोग की, फिजिक्स फैमिली, वो काफी लार्ज है। तो और आपको भी पता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, लॉकडाउन में काफी फ्री था तो ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई मिलता था, बहुत सारा जो टाइम था मैंने आपको दिया था, लेकिन अब सिनेरियो वो नहीं रह गया है। तो आप लोगों को क्या होना होगा, कुछ ना कुछ अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करना होगा ग्रुप के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए। अगर आप ये क्यों चाहते हो कि हमने क्वेश्चन डाल दिया आपके क्वेश्चन का सलूशन मिल जाए दूसरा देते, तो दूसरा भी आपके लिए फ्री नहीं बैठा है। अगर सबकी थिंकिंग सेम हो जाएगी तो आप ये बताओ कि कौन दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपना जो नॉलेज है वो आपको शेयर करें। तो आप अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो तो उसको स्टार्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में डिस्कशन करिए, और ट्राई कीजिए कि मैक्सिमाइज डिस्कशन हो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हो पार्ट लें। तो इस तरह की जो थिंकिंग होनी चाहिए सबकी होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो भी सेमेस्टर में आपका जो भी पेपर स्टार्ट हो रहा है किसी एक पेपर पिक करिए, और उसके जो थ्योरी है वो जो आपके यूनिवर्सिटी पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो सीएसआईआर नेट जीआर का सिलेबस है उसके साथ आप कंप्लीट करते जाइए। अब मैं बता रहा हूं करना क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वांटम मैकेनिक्स में बात करता हूं तो केवल दो बुक रखी है, पहला ग्रिफिथ दूसरा जेटली, ठीक है। ये केवल आपको दो बुक रखना है, और मैं आपको बता दूं कि यहां से जो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जस्ट कॉपी कर दिए जाते हैं। अगर मैं 2016 तक बात करूं, 2016 जो कट ऑफ था लाइफ सीएसआईआर का वो 70 एलएस होता था और 80 जीआरएफ होता था। उसके बाद से जो कट ऑफ हुआ वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। अब तो खैर एनटीए एग्जाम लेता है तो एनटीए में कभी कभी 100 प्लस 110 प्लस कट ऑफ चली जाती है, कभी कभी 70 80 के भी आसपास रहती है। जैसा कि इस बार का जो पेपर है वो सुनने में आ रहा है कि काफी टफ था, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है हर बार 100 प्लस जाएगी, कभी 80 भी हो सकती है। अब देखिए मैं आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ नेट को क्रैक करने का। चार पेपर हमेशा याद रखने के, चार पेपर एटलीस्ट आपको कंप्लीट करना ही करना है। पहला होता है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, तीसरा होता है मैथमेटिकल फिजिक्स, और चौथा आप ले सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या कोई और एक पेपर ले सकते हैं आप। इन चार पेपर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करिए, चार पेपर क्लासिकल क्वांटम मैथमेटिकल एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कोई भी पेपर आप उठा के देखिएगा इससे अराउंड 80-100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी चार पेपर से, 100 प्लस ही पूछे जाते हैं अगर मैं ऑप्शन लेके चलूं, क्योंकि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, 20 करने रहते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन लेके चलूं तो 100 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार पेपर पे आपका कमांड होना चाहिए। देखिए मैंने
जब एग्जाम दिया था तो जनरली यही जो ट्रिक थी मैंने फॉलो किया था, हमेशा मैं क्वांटम, क्लासिकल और मैथमेटिकल इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करता था। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं लेकिन क्वेश्चन इजी भी होते हैं, क्वेश्चन बनते भी हैं। तो अगर आप कोई भी चार पेपर आपको कमांड है, अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100+ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पूरा का पूरा कर पाओगे, नहीं, आप लेकिन 60+ मार्क के करेक्ट कर ले जाओगे उसमें से, ठीक है, 60 के आसपास आप तो कर ही ले जाओगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर का एक पेट क्वेश्चन आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट लिखने पर लिया आ जाएगा, या समथिंग लाइक बाइंडिंग एनर्जी का कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, एक पार्टिकल फिजिक्स से आता है तो वहां से अगर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वहां से पिक कर लीजिए, एटॉमिक से पिक कर लीजिए, थर्मल से पिक कर लीजिए, ऐसे करते करते आपको सारे पेपर से एक एक क्वेश्चन भी अगर आप पिक करते हो तो आपको हमेशा जो कट ऑफ होती है उसको आप क्रॉस कर ले जाते हो। लेकिन बहुत स्टूडेंट होते हैं घबरा जाते हैं, वो क्या करते हैं सारा का सारा पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी चार पेपर को आप फुल कमांड लेकर चलिए और बाकी जो पेपर है उसको भी पढ़िए, लेकिन उसके जो फॉर्मूला है आप उसको लिखते जाइए और जिस जिस टॉपिक से पूछा जाता है उस टॉपिक को आप क्योर पढ़िए। क्योंकि एक साथ अगर 9 पेपर की मैं बात करूं तो कोई भी नहीं है एक साथ पूरा सिलेबस को कवर करके जाके एग्जाम दे दे, कोई नहीं करता। और कुछ एक्सेप्शनल हो मेरी बात को दिल पे मत लेना, कर सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल अपने जैसे स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं लाइफ में वो क्या करते हैं, वो कभी भी इस तरह की चीजों को एक साथ कंप्लीट करके नहीं जा सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो सभी 180+ मार्क्स पा जाते हैं और आपको पता ही कट ऑफ अराउंड 90-100 के आसपास रहती है। तो मेरी मान्यता है आप चार पेपर को फोकस करिए, चार पेपर को कंप्लीटली कमांड में लीजिए, उसके बाद जो भी रेस्ट पेपर है उसका ओवरव्यू ले लीजिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, अब देखिए जैसे ग्रुप में है, जैसे आप क्वांटम स्टार्ट कर रहे हो तो क्वांटम से स्टार्ट करो, शुरू से स्टार्ट करो आप, पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम वहां से आते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर ये भी पढ़िए आप, आपको एंगुलर मोमेंटम हुआ, पॉली स्पिन मैट्रिसेस हुई, उधर आपका जाएगा सबसे पहले बात जानिए पर्टरबेशन, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा पर्टरबेशन, पर्टरबेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं वो भी देखो, उसके बाद स्कैटरिंग। तो इस ओवरव्यू अगर मैं दे दूं तो इसी से घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको, आप उस टॉपिक को पढ़ें, CSIR नेट सिलेबस देखें, उस भी टॉपिक को पढ़ें, और दो को हमेशा याद रखे रहें ग्रिफिथ और जेटली, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें, दोनों का सोल्यूशन अवेलेबल है, आप गूगल कर लें, अगर नहीं होता है तो आप ग्रुप में भेजें, मैं भेज दूंगा सोल्यूशन और उसको सॉल्व कर। तीसरा एक बुक है जी अरुणदास की 500 प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जब आप ये पूरा का पूरा कवर कर लेंगे तो एक बार उस बुक को जरूर देख लीजिएगा, उसमें 500 प्रॉब्लम दिए रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पिक कर लिए जाते हैं, लेकिन उस 500 प्रॉब्लम में भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं आपको ग्रिफिथ और जेटली से देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा जो टारगेट है, जो भी जिसके यूनिवर्सिटी में पहला पेपर पहले सेम में जो पेपर क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है उसको स्टार्ट करें, और जिसके यूनिवर्सिटी में जो भी चल रहा है, जो भी अगर कोई अदर पेपर चल रहा है तो जिसमें आपको जो इंटरेस्ट है उस पेपर को स्टार्ट करें, उसके बाद ग्रुप में आप प्रॉपर डिस्कशन करें, ठीक है, ग्रुप में जब डिस्कशन करो, और हाँ डिस्कशन में सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, अगर आप दोगे तब भी आप भी सीखोगे और दूसरा भी सीखेगा, ओके, ये चीज आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा। उसके बाद टाइम टू टाइम हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे वाया गूगल मीट, वाया समथिंग एल्स, टाइम टू टाइम हम लोग, जैसे अब दिसंबर में तो मैं बिजी हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। अभी मैं जो भी टाइम मिलता है इंटरेक्ट करता हूँ, जो भी 2021 के एस्पायरेंट हैं, थोड़ा बहुत जो भी अभी टाइम मिला 10-15 दिन में एक बार मीटिंग होती है तो मैं, लेकिन आप लोगों से भी एक जरूर मीटिंग करूंगा। और हाँ, एक चीज और याद रखे रहिए कि कीप लर्निंग कीप शेयरिंग योर नॉलेज, हमेशा याद रखे रहिए आपको सीखना भी है और आपको अपना नॉलेज शेयर भी करना है। क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट कंट्रीब्यूट किए थे, डिस्कशन हुआ था, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट है। तो मेरा मानना यह है कि जितनी भी कोचिंग क्लासेस चल रही है हर जगह, तो क्या है कि आपको पता है कि बिजनेस बन चुका है बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे मैं देखता हूँ कि फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, कैरियर इंडिवर के कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे कोचिंग किए हुए स्टूडेंट अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अच्छी बात है क्वेश्चन पूछे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप फ्रूटफुल डिस्कशन करके सिलेक्शन ले सकते हो तो कोचिंग करने की क्या जरूरत है, एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट किसी स्टूडेंट को देने की क्या जरूरत है, मुझे ये नहीं समझ आता। तो मेरा जो चैनल क्रिएट करने का यही मतलब है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो कोचिंग क्लासेस की फी को अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उस डिस्कशन से उनका सिलेक्शन होता है तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। जैसा कि एमएससी में हो चुका है, एमएससी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो विदाउट कोचिंग क्लासेस के जो सिलेक्शन होने के बाद, जैसे बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं जो मैं देख पाता हूँ, तो विदाउट कोचिंग क्लासेस के जो किसी भी तरह की चीजें जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी, वो यूट्यूब वीडियो देख के, वो टेस्ट सीरीज देख के, वो बहुत सारे जो पीडीएफ पढ़े हुए उनको पढ़ पढ़ के आज अच्छी रैंक है, विद इन 10 उनका रैंक है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन विद इन 10 उनका रैंक है। तो ये बताइए जब वो कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, जरूरी थोड़ी है मैंने CSIR नेट क्रैक किया, मैंने सारी चीजें क्रैक किया तो क्या मैं कोचिंग करता था, नहीं,
मैं भी पीएचयू का स्टूडेंट रहा हूँ, इवन मुझे बीएससी तक कुछ नहीं आता था, हम भी आपके जैसे एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज अभी भी है, क्योंकि हम लोग की जो यूनिवर्सिटीज थी वहां पे कोई क्लासेज नहीं चलती थी, नोट दिया जाता था, याद करना है, पढ़ना है, लिखना है, नंबर पाजाना है, ठीक है। तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत आया है वो एमएससी में बुक्स पढ़ के फ्रूटफुल डिस्कशन करके अपने ग्रुप में वैसे आया है। तो विदाउट कोचिंग क्लासेज जब क्रैक किया जा सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो आप कोचिंग के भरोसे मत रहिए कि कोचिंग करेंगे तभी आएगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ फ्रूटफुल डिस्कशन होगा, जैसे इस बार आप एमएससी का रिजल्ट देखा है तो आने वाले समय में हो सकता है कि ऑल इंडिया रैंक विद इन 10 सीएसआईआर नेट गेट में अपने ही ग्रुप का हो, ये बात नोट करके आप रख लीजिएगा। हाँ, लेकिन डिस्कशन होते रहना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीरियस हैं, वो प्लीज आप लोग ग्रुप में अपना डिस्कशन कीजिए जो भी चीजें, और मतलब मैक्सिमम आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन जो भी 10 15 20 25 50 जो भी स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे लिख के रख लो, लास्ट टाइम होते होते, क्योंकि आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है, अभी तो जस्ट आपका सेम स्टार्ट हुआ है। वैसे भी 2020 इस साल के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप लास्ट तक जाते जाते आप देखोगे कि अपने ग्रुप से मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो आपको एक पेपर को पिक करना है, उसको पढ़ना है, सीएसआई नेट गेट का सिलेबस कवर करना है। हाँ, बार बार कह रहा हूं, नेट को टारगेट करिएगा, गेट एकदम क्लीन है, अपने आप निकलेगा अगर आप नेट को टारगेट करोगे तो, आपको वो कवर करना है। एक चीज और, मैं नेट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे नेट कंपलसरी है। नोट डाउन कर लीजिए कि नेट कंपलसरी है। तो अगर आपके पास नेट ही नहीं रहेगा तो गेट जेस्ट पार्क लेके आप क्या करोगे? इसलिए नेट क्या सबका बॉस है। अगर आप नेट निकाल लिए हो, बाकी सेकेंडरी चीज कोई भी नहीं निकाले, गेट नहीं क्वालिफाई हो, जेस्ट नहीं हो, बार्क नहीं हो, डजंट मैटर, कोई नहीं पूछने वाला। पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद कोई नहीं पूछता कि आपके पास गेट है, जेस्ट है, बार, कोई नहीं पूछने वाला, मेरा सर्टिफिकेट वेस्ट है। कहीं भी आप अप्लाई करो, अगर पूछता है भैया सीएसआईआर जी आप हो, नेट हो, अगर है तो अप्लाई कीजिए, नहीं है तो साइड मारिए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीएसआईआर नेट को आप टारगेट करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ग्रुप का सिलेक्शन 100% होगा। और फ्रूटफुल डिस्कशन करिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम कभी भी होता है और वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज आप जरूर रिस्पॉन्ड किया करिए। क्योंकि मेरे पास सही में बताऊं कि मैं सुबह में जाता हूं, रात में आता हूं, खाना बना रहता है, सो जाता हूं, फिर सुबह में जाता हूं, तो इतना टाइम नहीं बचता कि मैं सबको रिस्पॉन्ड कर पाऊं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी 5-10 मिनट 20 मिनट का टाइम बचता है कभी भी पूरे दिन में, तो आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप जरूर रिस्पॉन्ड करो। दूसरी चीज ये है कि जो भी नीडी स्टूडेंट, नीडी स्टूडेंट कहने का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो कोचिंग क्लासेस की फी को अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज उनको इस चैनल के बारे में बताइए। मेरे बारे में बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इस चैनल के बारे में बताइए, जहां से प्रॉपर थोड़े से गाइडेंस की वजह से जहां पे स्टूडेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं। तो आई होप कि ऐसे स्टूडेंट अगर जाए तो मुझे काफी खुशी होगी। तो इस तरह की वीडियो स्टूडेंट फिर से आती रहेगी। एक जो हम लोग की फैमिली बनी है उसमें प्रॉपर डिस्कशन करते रहिए, आप उस ग्रुप में बने रहिए, और आई होप कि आने वाले समय में हम लोग काफी अच्छा किसी ग्रुप से रिजल्ट देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां पर एडमिशन लिए हैं अपनी पढ़ाई करते रहिए, यूनिवर्सिटी को भी टॉप मारिए, क्या दिक्कत है, यूनिवर्सिटी को टॉप करिए आप, सेमेस्टर में टॉप करिए आप, और उसके बाद सीएसआईआर नेट गेट जो भी होगा एग्जाम आप इस सेमेस्टर में, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस सेमेस्टर में ट्राई मत करिए क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर से आप जून को टारगेट करिए, जून 2021 को वहां पे आप एग्जाम दीजिए। तो आई होप कि वहां पे आपको सक्सेस आपको देखने को मिलेगा, और ये मैं 100% श्योर हूं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट एमएससी में आया है ना, जैसे मैं 10 का टारगेट करके चला तो बीएचयू में मैक्सिमम टारगेट 20 तक का था कि 20 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, लेकिन अगर मोर देन 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप से, तो हमें लगता है कि सीएसआईआर नेट में भी अगर एक बच्चा भी सेलेक्ट होता है ग्रुप से तो ये विदाउट कोचिंग, तो ये काफी एक बहुत बड़ी बात होगी कि विदाउट कोचिंग कोई स्टूडेंट निकालना है। क्योंकि आज के समय में एक ऐसा कोचिंग वालों ने सीनेरियो बना दिया है, एक ऐसा हवा बना दिया है, विदाउट कोचिंग आप कुछ नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या 2015-2016 से पहले हम लोग निकाले तो क्या हमने कोचिंग किया था? नहीं। आज भी स्टूडेंट क्रैक करते हैं विदाउट कोचिंग, ये दिमाग में रख लीजिए। तो कोचिंग क्लासेस जो अफोर्ड कर सकते हैं आप पढ़िए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते आप यहाँ पे डिस्कशन करिए। अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो जरूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, वो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, और हम लोग का भी जब भी फ्री टाइम रहेगा थोड़ा सेटल होने के बाद ट्राई किया जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि अभी वो पीएचडी फाइनल ईयर में, मीन्स हो सकता है कोई एक साल बाद एडमिशन लिया हो, तो अगर उनके पास टाइम मिलता है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ क्लासेस अरेंज करा के आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, कुछ ट्रिक्स बताया जाए जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।